12 बक्से और 40 करोड़ कैश, ये पूरा का पूरा पैसा बरामद हुआ है झारखंड में एक व्यक्ति के घर से। और वो जो व्यक्ति है उसका कनेक्शन बताया जा रहा है झारखंड सरकार में ही मंत्री आलमगीर आलम से। और इसके बाद बहुत जबरदस्त राजनीति यहां पर हुई है। और आपको ये भी बता दूं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। ये पूरी खबर क्या है और कैसे इस कैश कांड में अब आलमगीर आलम के कनेक्शन जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पूरी खबर मैं आपको आज बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक भी आपने न्यूज 18 इंडिया का यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी के अभी कर लें। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड, इसकी हिस्ट्री क्या है वो भी आपको समझाती हूँ। 2023 से ईडी की तरफ से छापेमारी की कार्रवाई शुरू की जाती है और उस वक्त ये था कि जो ग्रामीण विभाग है उसके पूर्व इंजीनियर के अलग अलग ठिकाने जिस पर छापेमारी हुई और बकायदा उसे गिरफ्तार भी किया गया, यानी कि वो जेल में उसे बाद में पहुंचा दिया गया। और उसी मामले में, उसी सिलसिले में एक बार फिर से सोमवार को एक खबर निकलकर सामने आती है कि ईडी की तरफ से झारखंड में ही अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। और फिर ईडी को ये किसी तरह से सूत्रों के हवाले से खुफिया रिपोर्ट मिलती है कि एक घर जो कि जिसमें एक व्यक्ति रहता है जिसका कनेक्शन आलमगीर आलम से हो सकता है, उसके घर पर बहुत सारा कैश है। और फिर ईडी की टीम वहां पर पहुंच गई और फिर आप यकीन नहीं मानेंगे, जो तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं उसमें इतना सारा कैश है, इतने सारे रुपए एक साथ किसी आम आदमी के लिए देखना बिल्कुल संभव नहीं है। इसीलिए जिसने भी इस तस्वीर को देखा हर कोई सोच में पड़ गया कि इतना पैसा किसी एक व्यक्ति के पास हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ वो व्यक्ति कौन है। वो आलमगीर आलम के जो निजी सचिव है उनका भी बताया जाता है घरेलू सहायक, यानी कि नौकर। तो आप सोचिए, उसकी सैलरी बताई गई 15,000 रुपये है, लेकिन उसके घर में से इतना कैश मिलता है कि उस कैश को गिनने के लिए मशीनें कम पड़ जाती हैं। 12 बक्सों में उस कैश को रखा जाता है। अब ऐसे में सीधे सीधे इसके तार आलमगीर आलम से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपको फिर बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर इस पूरे मसले को लेकर हमलावर हो चुकी है। आगे मैं आपको यह भी बताऊंगी कि आलमगीर आलम ने इस पर सफाई क्या दी है। लेकिन अब चूंकि ये जो कहानी है ये पूरी इस तस्वीर के इर्द गिर्द इसीलिए घूम रही है क्योंकि यही तस्वीर वो है जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, बहुत वायरल हो चुकी है। आपको याद होगा इससे पहले भी पूर्व आईएएस झारखंड में ही एक ऐसा मामला सामने आया था, हालांकि बाद में उन्हें जेल भी हो गई, बहुत सारा कैश वहां से मिला था। उसके बाद भी सवाल बहुत सारे उठ रहे थे। अब मैं आपको बताती हूँ आलमगीर आलम के जब कनेक्शन इसमें देखे गए तो फिर उनकी तरफ से क्या कहा गया, क्योंकि उन्होंने इस बात को लेकर प्रतिक्रिया दी है। संजीव लाल, जो कि मैं बता रही हूँ वो पीए हैं उनके, जो उनका सारा कामकाज देखते हैं, आलमगीर आलम ये कहते हैं कि वही संजीव लाल इससे पहले भी कई और लोगों के भी पीए रह चुके हैं। ये सीधा सीधा उन्होंने बीजेपी के लिए भी कहा कि बीजेपी के भी कई नेताओं के पहले वो पीए रह चुके हैं। तो हो सकता है कि जो कैश अब मिल रहा है वो कैश का सरोकार आलमगीर आलम से या कांग्रेस से या झारखंड सरकार से ना होकर भारतीय जनता पार्टी से हो या फिर किसी और दल के नेता से हो, क्योंकि वो ये कहते हैं कि संजीव लाल मेरे पहले पीए नहीं है, ये इससे पहले भी कई लोगों का कामकाज देख चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो इस मुद्दे पर पूरी तरह से हमलावर हो चुकी है, क्योंकि आप खुद देखिए जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप खुद सोचिए कि कोई एक व्यक्ति जो किसी के घर का कामकाज संभालता हो और जिसकी सैलरी बताया जा रहा है 15,000 रुपये, आप मान लीजिए 20 या 25,000 रुपये भी हो, तो क्या उसके लिए संभव है इतना सारा पैसा अपने घर में रख लेना? और अगर उसके लिए संभव नहीं है तो फिर उसके घर पर किसने रखवाया? ये सबसे बड़ा सवाल है जो इस वक्त झारखंड में और ख़ास तौर पर झारखंड की राजनीति में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी ईडी की इन्वेस्टिगेशन ऑन है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि अभी और भी कई ऐसे लोग हैं जो हो सकता है कि आलमगीर आलम के करीबी हो या फिर ये जो पीए हैं संजीव लाल जिनका नाम है उनके करीबी हूं, उनके और भी ठिकानों पर छापेमारी की जानी है। तो हो सकता है कि अभी और भी कई बरामदगी यहां पर हो पाए। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि ये जो कैश है जिसे पहले 20 करोड़ बताया गया, फिर चूंकि गिनना जो गिनती है वो लगातार चल रही है, फिर बताया गया कि ये तो 30 हो सकता है, उसके बाद 40 करोड़ कैश है ये भी खबर मिल गई है। तो हो सकता है कि जैसे जैसे गिनती बढ़ती जाए वैसे वैसे कैश कितना है इसकी जो मात्रा है वो भी बढ़ती जाए, यानी कि अभी कई सारे और भी खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो सकते हैं। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन इसी तरह देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए, अगर अभी तक भी आपने न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी के अभी कर लें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।